हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अपडेट मिली थी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं 10,591। इसके अलावा इसमें एनटीटी और इसके बाद पीआरटी या स्पेशल इस टाइप की और कोई वैकेंसीज नहीं है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में काफी, मतलब उनको काफी टेंशन हो चुकी है। और जैसा जानते हैं कि ये लाजमी है, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि कब वैकेंसीज आएंगी, कब क्या होगा, तो काफ़ी दुख भरी बात थी ये। लेकिन साथियों, अब इसमें ये नहीं कि हम आर्ग्यूमेंट करें या कोई कैंडिडेट बोले हैं या नहीं है, आपस में लड़ें, ये ऐसा टाइम नहीं है। इस टाइम हमें बड़ी समझदारी से काम लेना है और हमें देखना है कि क्या अच्छा हो सकता है, जो हो चुका है उस पर नहीं, जो आगे होने वाला है उस पर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पर्सनली बात करें। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि इस टाइम आर्ग्यूमेंट नहीं, हमें समझदारी से काम लेना है जिससे आगे और अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी इसके रिगार्डिंग अशोक अग्रवाल सर को मैंने कल ये सारी चीजें बताई कि सर इसमें टीजीटी और पीजीटी की ही वैकेंसीज हैं, पीआरटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, एनटीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स काफी समय से आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। तो कल शाम को मेरी बात हुई थी सर से, तो सर को जब मैंने सारी चीजें बताई तो सर को भी, मतलब उन पर विचार किया, तो सर ने बोला कि भाई ठीक है, अभी इस पर थोड़ा हम देखेंगे, तो एक बार आप लोगों डिटेल हमें दे दीजिए, मतलब कितनी वैकेंसीज वैकेंट हैं। तो जो भी साथी अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में है कुछ भी, तो आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी जानकारी दें। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है या आप लोग भी थोड़ा प्रयास करके देखो, अगर कोई हेल्प कर सकता है, अगर कोई हेल्प कर सकता है तो पर्सनली एक बार कॉन्टेक्ट करें। कुछ डिटेल हमें कलेक्ट करनी है, डिटेल कलेक्ट करने के बाद वो डिटेल हमें एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को देनी है, उसके बाद जरूर वैकेंसीज आएंगी, ये ध्यान रखना। और अभी से हमें प्रयास करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने कहा है कि अगर वैकेंसी जितनी है आप हमें डिटेल दीजिए, ये चेक करके जो भी, मतलब आरटीआई वगैरह लगा के सारी इंफॉर्मेशन लेके, और इसके बाद वैकेंसी जरूर आएंगी, टेंशन ना लें। और अगर वैकेंसीज हैं खाली तो वैकेंसी जरूर आएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर काफ़ी पद खाली हैं और कई कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर 100-100 बच्चों को पढ़ा रहा है, ये बिल्कुल बात किसी से छिपी नहीं है। तो आप लोग जरूर इसमें प्रयास करें, कोशिश करें, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, ना कि हम आपस में लड़ें। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं जो भी सपोर्ट करना चाहता है प्लीज एक बार कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।